बाप लाया है मेरे। हाँ यार नहीं ऐसे मत करो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो की कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे जाना है गाजियाबाद, और गाजियाबाद में मुझे गाड़ी का छोटा सा काम कराना है, और उसके बाद अरुण भाई भी आ रहे हैं। अरुण भाई को गाड़ी में थोड़ा सा बड़ा काम कराना है, और उसके बाद एक भाई और इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, उनका नाम मन्नू है, और वो अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं और उनको बड़े से बड़ा काम कराना है। तो आज की वीडियो में कॉन्टेंट यही है भाई। देखो जो बात है, मुझे तो कॉन्टेंट बनाना है ना, तो यही आज की वीडियो में कॉन्टेंट। तो भाई वेट कर रहे हैं। गर्मी देखो, गर्मी का स्वैग है भाई साहब, ये पंखा बंद करना पड़ता है। मैं क्या क्या करेंगे तुम्हारे लिए, चलो चलते हैं। ये हमेशा की तरह लेट है, एक आए हैं और एक दूसरे भी आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे होंगे भाई साहब। हमेशा लेट मतलब हमेशा लेट, ये क्या बात, मतलब तेरे को तो क्या छोड़ा भी, मैं कैमरा के पीछे बात करूँगा तेरे से। एक और आया है, एक और आया है, एक और आया है, खिड़की नीचे कर जरा भाई साहब। हमेशा लेट क्यों, लेट क्यों, लेट आपके इसकी वजह से, मैं उसकी वजह से। अरे यार तुम ड्रामे करते रहो। अरुण और अनुज दोनों भाई आए हुए हैं, और साथ में कपिल भैया अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इनकी दुकान है, इनकी शॉप पे है। भैया आए करते एक बार, दूर से आए बस, तो इतने चलेगा। तो भाई अरुण क्या काम कराना है आपको गाड़ी में, बताओ। मुझे सबसे पहले स्क्रीन लगवानी है अपनी गाड़ी के अंदर। भाई साहब महंगी वाली स्क्रीन लगाई तो पार्टी भी इन्हीं की तरफ से है, और अनुज की तरफ से भी पार्टी। भाई साहब ये बंदा ऐसा है जो दो दिन से कह रहा था कि भाई मुझे स्क्रीन लगवानी है। पैसा बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा पूरा खर्च पूरा करना है अभी तक क्रेडिट कार्ड से। तो कुल मिला के हम यहाँ पे स्क्रीन लगवाना है, दो गाड़ियों में स्क्रीन लगवानी है। मुझे भी हैंड रेस्ट लगवाना है, अगर भैया की दुआ से लग गया तो, क्योंकि मुझे लग रहा है आज मेरा काम होने वाला नहीं है। भाई ने मना कर दिया कि तेरी पे लगाना ही नहीं, पहले भी नहीं लगाया था, अब भी नहीं लगाऊंगा। आ जाते। तो कुल मिला के ये है कि गाड़ी का अभी जितना भी काम होगा अभी हम आपको दिखाएंगे, लाइव सेशन बिल्कुल अभी आ रहा है। सामान आएगा, हम आपको दिखाएंगे काम। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही कि आज हम भाई की गाड़ी में और भाई की गाड़ी में दोनों में काम करवाने वाले हैं, और मैं यहाँ पे वेला फ्री बस खाने पार्टी करने के लिए, हम और कुछ नहीं ज़्यादा मुझे लगता। हाँ तो भाई आज हम वाइड एंगल से शूट कर रहे हैं, वाइड एंगल कैमरे से शूट कर रहे हैं भाई। देखो वाइड एंगल से क्या, वाइड एंगल का मतलब पूरा, मतलब हम हमारा फेस वेस कुछ कटेगा नहीं, मैं भी आराम से दिख रहा हूँ, अरुण भाई भी साफ दिख रहे होंगे। अगर वंटी भी खड़ी हो जाएंगी तो वो भी आके दिख जाएंगी, मतलब फुल दिखा ले पहले तो। इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें परेशान कर रही है। अभी जब तक गाड़ी का सामान आ रहा है हम खाने पीने के लिए आए हैं, और खाने पीने के लिए हम सस्ता सौदा जरूर ढूंढते हैं। तो सस्ता सौदा हम कुलचे खाने के लिए आए हैं, बस अरुण भाई कोल्ड ड्रिंक ला के और देते तो मतलब खाने में चार चांद लग जाएंगे। तो भाई बस वही वैसे है। हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब दीपक भाई का हैंड रेस्ट आ गया तो पार्टी आधी बनती है। तो जब लगेगा, जब लगेगा, जब देखी जाएगी। हमारे कुलचे जो है भाई ले आए हैं, भाई कुलचा रिव्यू करेंगे हम। भाई हाय कर दो, हाय कर दो, हाय वीडियो बन रही है। ठीक है तो भाई साहब कुलचे ले आए हैं, तो कुलचे खाएंगे आराम से। ठीक है चलो। तो भाई लोग फाइनली हमने जो है स्क्रीन जो है वो फाइनल कर ली है भाई, और ये है कौन सी कंपनी की है, भूल गया, हाँ स्मार्ट सोनिक की है। और ये भाई जो है लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और ये भाई हॉर्न सेट कर रहे हैं। अमन भाई इनका नाम, भी शायद अमन ही है, इरफान भाई भी लगे पड़े हैं एकदम तरीके से काम करने में। भैया हम आ चुके हैं अपना कोल्ड ड्रिंक पी के, थोड़ा सा टेस्ट फ्रेश होके एकदम गाड़ी का काम देखने के लिए आए। दोनों गाड़ियों में जो है काम हो चुका है, और मैं स्विफ्ट में देखने के लिए आया हूँ काम लगा दिया नहीं लगा दिया। तो अभी यहाँ आप देखो थोड़ा सा काम रहता है यहाँ पर, और लगा दिया शायद, आई थिंक डिस्प्ले वगैरह चेक कराना, नंबर डिस्प्ले चेक कर लो आके। तो एक गाड़ी तो तैयार है, दूसरी हम अरुण वाली गाड़ी को भी और देखना है उसमें कितना काम रहता है। तो मुझे लगता है अभी इसके अंदर डिस्प्ले लगना बाकी है, मतलब फिक्स नहीं करा आई थिंक। अब भाई ने डिस्प्ले फिक्स कर दिया, बहुत देर से लगे हुए भाई, अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सही।
बढ़िया। अरुण भाई खुश एकदम भाई? बढ़िया काम हो रहा है भाई के पास आएंगे तो काम तो बढ़िया ही होता मेरा। वैसे आपको आना तो यहाँ पे आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसकी गाड़ी का काम नहीं हुआ अभी तक, मेरी गाड़ी का काम आना बाकी है। बोला है क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, उसी का आएगा तो करवा रहा है काम। हाँ जी भैया, दूसरी गाड़ी के अंदर भी जो है हमारा स्पीकर लग चुका है, कनेक्ट कर रहे हैं भाई साहब, पूरी लगे पड़े हैं, मतलब दोनों चारों स्पीकर से कनेक्ट कर दिया ना भाई, चारों स्पीकर कनेक्ट हो चुके हैं, डिस्प्ले भी पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। और अब हम मन्नू के बारे में जानते हैं, मन्नू को डिस्प्ले कैसे लगी? हाँ भाई, मन्नू डिस्प्ले कैसे लगी? बहुत अच्छी डिस्प्ले है भाई, बहुत बढ़िया डिस्प्ले, मजा आ गया, मतलब पैसा खर्च करने का पूरा वसूल है, बहुत पूरा वसूल है, पूरा वसूल है, पूरा वसूल। अच्छा अभी देखते हैं, अभी तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम चलाओगे तो पता लगेगा म्यूजिक के बारे में। हाँ भैया, काम जो है ख़त्म हो चुका था, मतलब मेरा काम नहीं हुआ, अरुण का काम हो गया, मन्नू का काम हो गया, और मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो सामान था वो उनके पास मिला नहीं, और सामान मेरा नहीं है। और अब मैं जा रहा हूँ नानक सर, भाई ने बुलाया, कुछ काम है वहाँ से, उनके साथ कुछ सामान लेना है, गाड़ी में डालना है, वापस घर जाना है। और मैं हो सका था डॉक्टर के पास भी होकर जाऊँगा क्योंकि मुझे अपने दांत दिखाने हैं, अगर दुकान खुली होगी तो वहाँ भी जाएंगे, जाके दिखाएंगे एक बार डॉक्टर को। तो आज की मतलब ना पूरा दिन वेस्ट हो गया, मैं पूरा दिन लगा रहा और शाम को रिजल्ट आया कि कुछ नहीं मिला मेरा, मतलब मैंने भाई से बोल दिया भाई लेके आ चुका है जो मुझे सामान लगवाना था गाड़ी में। आज से मेरा काम खत्म हो चुका है, काम दोनों के दोनों पसीने देख रहे हो, एसी 2 मिनट के लिए बंद होता है और इतनी गंदी वाली गर्मी लगती है ना, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे ये लेना था एक पिलो जो हैंड रेस्ट के लिए, हैंड रेस्ट यहाँ पर है तभी हम हाथ रख सकते हैं, और ये पिलो भाई जो मैं वहाँ दुकान पे लेने गया था वहाँ मुझे मिला नहीं। फिर भाई करोल बाग गए थे, मैंने भाई को बोला भाई ये दोनों चीज़ों की नीड है, मुझे नहीं मिली है तो आप ले आना, तो भाई ले आए हैं, तो दोनों के दोनों को मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं, लगा ली हैं, दोनों चीज़ें कम्फर्ट हैं, नहीं तो वापस हो सकते थे अगर कम्फर्ट नहीं होता। अभी मुझे दोबारा उनके पास जाना पड़ेगा, दोबारा उनको फ़ोन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ फुटेज मैंने उनके फ़ोन में भी लिया तो वहाँ से भी वो पिक करनी है। सारे काम खत्म हो चुके हैं, अभी आने वाला है शायद थोड़ी देर में, तो हम लेना है अपना डेटा पूरा लेना है, जो डेटा क्या दो एक दो फुटेज उसके फ़ोन में ली थी, 60 FPS है उसके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में नहीं है, पता नहीं उसके फ़ोन का जो फुटेज है वो एडिटिंग में सेट होगा ही नहीं होगा, बट मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अच्छा आज आज है क्या ये बता, आज क्या है? तुझे नहीं पता? क्यों नहीं पता? तुझे पता ही नहीं है और सच गई तू। अच्छा मेकअप करना पसंद है? नहीं पसंद? चल पागल, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये पब्लिक रुके है तो जाएंगे हम। भाई देख रहे हैं क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ बस। थामा, ये आदमी है बड़ा जलील आदमी, इसने मेरा काम नहीं कराया आज, इतना दिन वेट कराया मुझे और मेरा काम नहीं कराया, मगर मैं दोनों काम करवा के आ चुका हूँ। अच्छा हुआ भाई करोल बाग गए थे, सामान मतलब काम पूरा हो गया मेरा, दोनों काम, दोनों भाई तकिया लग गए, चैन लग गया, सब कुछ लग चुका है भाई, दोनों काम होगा, मतलब तुम नहीं कराओगे तो होगा नहीं, लगा दिया सारा काम चाहिए, मतलब जो काम मैं गया था करने के लिए यहाँ नहीं हुआ, मगर मैं वहाँ से करवा लाया जो बात, मतलब पैसे पूरे होने चाहिए दिन के, अगर मैंने पूरा दिन लगाया तो मेरा बात भाई, तो भाई के पास जा रहा हूँ पार्टी, तो गाली दे दूंगा अभी, खाना खा में कैमरा पे हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई साहब मैं प्ले स्टेशन के मजे लेने जा रहा हूँ, मैंने कभी प्ले स्टेशन पर गेम खेली नहीं है, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं भाई के पास, भाई ने कहा आप आ जाओ, बहुत मजा आएगा भाई साहब, वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, भाई ने कहा आप आ जाओ गेम खेलेंगे एक बार ट्राई करते हैं, तो एक्सपीरियंस के सारे पैसे बहुत मोबाइल के अंदर पबजी खेल लिया है नया लिया है भाई साहब, फुल शोबाजी भाई साहब, फुल शोबाजी जिसे कहते हैं, हाँ तो यही चीज मेरे में लगी है, मैंने लगवा लिया, ठीक है मेरा ब्लैक आया है और मुझे लगता है वो इंटीरियर के हिसाब से ब्लैक ठीक है आई थिंक। तेरा कैसे साइड में बिल्डिंग कैसे है? हाँ भैया गेम मैंने खेल ली है,
प्ले स्टेशन वाले मजे ले लिए मगर मुझे मज़ा नहीं आया। मैं सही बता रहा हूँ, जो अपना गेम पबजी मोबाइल वाला गेम है ना वही बढ़िया है, मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ भाई यार तेरे को मज़ा आया? नहीं बता दे तो बता दे भाई, बहुत सिर्फ मज़ा वो वाइब्रेशन का था, उससे ज़्यादा कोई मुझे मज़ा आया नहीं। मुझे मतलब मज़ा आया इनको कभी नहीं आया भाई, मुझे नहीं आया मज़ा। मैं तुम्हारे को सही बताया पागल बना रहा कुछ नहीं है, बस मज़ा भी नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आया। हाँ तो भाई वो घर आ चुके हैं, आज सबसे ज़्यादा तगड़ी वाली ह्यूमिडिटी है, मतलब इतना पसीना आ रहा है, ये देखो पसीना मतलब रुमाल से साफ़ कर रहे हैं और उसके बाद पसीना आ रहा है मतलब कंटिन्यू। तो मैं छत पे आया हूँ स्पेशली इस वीडियो को एंड करने के लिए, वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया भाई साहब। आज पूरे दिन वैसे काम बहुत सारे थे मगर जहाँ पे मैं गया वहाँ पे वो काम ख़त्म मतलब नहीं हो पाए और कहीं और से हो गए, मतलब काम हो गए जो बात है, मगर पूरा दिन लग गया उस प्रोसेस में। उसके बाद अरुण के यहाँ भी गया, वापस फुटेज ले आया, थोड़ा सा गेम खेला, 5-10 मिनट खेला, बट मुझे मज़ा नहीं आया। अरुण को मज़ा आया होगा तो आया होगा, बट मुझे ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आया। अपन फ़ोन में ठीक है, पबजी ठीक है अपनी, हम उसी से काम चला लेंगे। उसके बाद वापस घर आ चुके हैं, घर पे आके हम थोड़ा सा फ्रेश अभी तक तो नहीं हुआ, नहाऊँगा अभी, नहाना है क्योंकि पसीने बहुत तगड़े वाले आ रहे हैं। उसके बाद एसी चलाएंगे, मस्त होएंगे, फिर एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद पूरे मज़े ले लेंगे जो बात है। तो अभी अरुण के यहाँ से 60 FPS वाली जो फुटेज है वो ले आया हूँ, अभी देखते हैं उसका कितना मज़ा आने वाला है लैपटॉप पे एडिट करने का। जितना ज़्यादा अच्छा एडिट होगा उतना ही मुझे मज़ा आने वाला, तो अभी देखना पड़ेगा वो सब। ठीक है तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, हम इसी तरीके की वीडियो बनाएंगे। गुड बाय। एक होता आशिक, एक होता है दुगना आशिक, ये वो इंसान है, इनकी आशिकी ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ भाई दर्द बहुत देखते कुछ। हाँ भाई आशिक कुछ तो बोल, इसको वो करो।